बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। तो आपको जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस ऐप प्ले स्टोर में अपडेट कर दी गई है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको MPCHO, हरियाणा CHO, त्रिपुरा CHO के आपको पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड सीरीज़ हैं जो वहाँ पर MCQ बेस्ड चैलेंजिंग क्विज भी हैं, तो वो भी आप वहाँ पर अपना नॉलेज है जो चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो किसके हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, क्वेश्चन था नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नेग्री बॉडीज किस कंडीशन में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन में TB, HIV, इंसेफ्लाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज। तो नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं रेबीज इन्फेक्शन में, किस में, रेबीज में। रेबीज के जो रेबीज वायरस, इसके कारण क्या होगा, जो नेग्री बॉडीज हैं किस तरीके से बनेंगी, जो ईसोनोफिलिक होगा उनका एक जगह है नर्व में, स्पेशली नर्व सेल्स में क्या होगा, इंक्लूजन होगा, जिनके लिए क्या कहा गया है, नेग्री बॉडीज। या तो ये राउंड शेप में होंगी या फिर ओवल शेप में होंगी, अलग अलग टाइप के शेप में नेग्री बॉडीज हो सकती हैं, बट देखने को किस डिसीज में मिलेंगी, रेबीज में। फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन है इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg, देन इट मीन्स बेबी इज। तो यदि बेबी का एट द टाइम ऑफ बर्थ 2.9 kg वेट है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन में लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर डेट या नॉर्मल बर्थ वेट। तो यदि बेबी का बर्थ 2.5 kg से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स बेबी को क्या कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। इंडिया में जो नॉर्मल बर्थ वेट बेबी का वेट कितना कंसिडर किया जाता है, मोर देन 2.5 kg। तो यहाँ पर बर्थ वेट क्वेश्चन में कितना है, 2.9 kg, दैट मीन्स बेबी क्या है, नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज है। अब यहाँ पर कुछ बर्थ वेट को लेकर टर्मिनोलॉजी बनती है आपके एग्जाम में, जरूरी नहीं डायरेक्ट नॉर्मल बर्थ वेट पूछें, आपसे वेरी लो बर्थ वेट भी पूछ सकते हैं या फिर LBW भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, जब बेबी का बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो अब बेबी को क्या कहा जाता है, लो बर्थ वेट बेबी। जेस्टेशनल एज कंप्लीट है, 37 वीक के बाद ही डिलीवर हुआ है, बट फिर भी बेबी का बर्थ वेट कितना है, 2.5 kg से भी कम है, 2500 ग्राम से कम है, दैट मीन्स बेबी क्या है, लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आएगा। एंड जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं इनके लिए KMC दिया जाता है, खंगारू मदर केयर दी जाती है। क्यों, क्योंकि मदर बेबी की बॉन्डिंग अच्छी रहे और हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज़ के इनमें हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, तो जब बेबी का बर्थ वेट कितना हो, लेस देन 1.5 kg से भी कम हो, 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट जेस्टेशनल एज 37 वीक ही रही हो, तब हम क्या कहेंगे इस टाइप के बेबी को, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। फिर आते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबीज, जब बेबी का बर्थ वेट 1 kg से भी कम हो, 1000 ग्राम से भी कम हो, तब इस टाइप के बेबीज क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी हैं उनका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होगा, जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट होता है उसमें भी MUAC चेक किया जाता है। तो जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के ही पार्ट है, MUAC नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का कितना होगा, ऑप्शन में 12-16 cm, 9-11 cm, 16-17 cm, या फिर 20-21 cm। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का होता है 9-11 cm, कितना होगा, 9-11 cm। MUAC न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यदि एवरेज नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का पूछते हैं तो 9-11 cm होगा, बट यदि 1 साल के बच्चे का पूछेंगे तो 12-16, 1-5 में 16-17, ओनली 1 cm ही बढ़ेगा 12 साल तक की एज तक, क्या होगा, 1 साल, यदि 16-17 cm है तो 1-5 साल तक ज़्यादा है, आपने बच्चों में देखा होगा स्टार्टिंग में MUAC अच्छा ग्रोथ करेगा, बट आफ्टर दैट है जो 1 ईयर के बाद ये बहुत ही स्लो रहेगा।
तो यहाँ पर जो MUAC के लिए जो टेप यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साकिर टेप। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जो MUAC है, मिड अपरान सरकमफेरेंस के लिए जो टेप होता है, इसमें कितने कलर होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड, अलग अलग चीज़ों को, अलग न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेप यूज़ होता है, होता है साकिर टेप। यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस के यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, फुली नरिश्ड है, रेड है तो माल नरिश्ड है, और येलो है तो अंडर नरिश्ड है, इसको हम ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। बट रेड है दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली माल नरिश्ड है। इसकी कैटेगरी भी आती है कि कितने में रेड रहेगा, येलो, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। तो ग्रोथ की जो डेवलपमेंटल स्टेज है, इसमें किस स्टेज को टोडलर ग्रुप के रूप में कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन में 0 to 28 days, 28 to 1 year, सॉरी 28 days to 1 year, 1 year to 3 years, 3 to 6 years। तो जो स्टेज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसमें टोडलर ग्रुप कौन से कंसीडर किए जाते हैं, जिनकी एज 1 से कितनी हो 3 साल तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 year to 3 year। अब हम यहाँ पर प्रीनेटल पीरियड कितना रहता है, पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों का रहता है, ये चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो टोडलर ग्रुप तो हमने पढ़ लिया, 1 से 3 साल का होगा। अब यहाँ पर यदि आपसे बात की जाती है प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड का मतलब होता है ओबम से लेके जब तक बेबी यूट्रस में, जब तक वो पीरियड क्या कहलाएगा, प्रीनेटल पीरियड और एंटीनेटल पीरियड। तो ओबम का यदि ड्यूरेशन पूछें तो 0 to 14 days आफ्टर द कंसेप्शन, कंसीव करने से लेके 0 से 14 days, 2 week तक का टाइम क्या कहलाता है, ओबम में आएगा। फिर आता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज होती है जो 14 दिन से लेके 8 week तक की होगी, कितनी, 14 days to 8 weeks तक। फिर आता है फीटल स्टेज, तो इसमें 8 weeks से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ, बेबी डिलीवर होने तक का जो ड्यूरेशन रहेगा वो किस में आएगा, फीटस में, 8 weeks to birth तक। अब यहाँ पर आती है पोस्टनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड एंटीनेटल पीरियड दोनों में आपको ड्यूरेशन मेनली याद रखना है। तो यदि पोस्टनेटल पीरियड की बात करें तो न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहते हैं 0 to 28 days तक के होंगे, इन्फेंसी पीरियड कहेंगे तो 28 दिन से 1 साल तक, 28 days to 1 year, टोटल होंगे 1 year to 3 year। फिर आते हैं प्री स्कूल, तो 3 year to 6 year तक। प्री स्कूल जो बच्चे प्री स्कूलिंग जो इन्फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, आंगनवाड़ीज में जाते हैं, वो किस टाइप की एजुकेशन कहलाती है, प्री स्कूलर, जो कि 3 to 6 years तक रहेगी। फिर आता है स्कूल गोइंग, जब बच्चे फर्स्ट क्लास में पहुँच जाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके, तो 6 year से 10 year तक। एडोलोसेंट में प्यूबर्टी टू एडल्टहुड, तो जो WHO के अकॉर्डिंग एडोलोसेंट एज ग्रुप कब कंसीडर किया गया है, 10 to 19 year तक। फिर इसमें भी अर्ली एडोलोसेंट, मिडिल एडोलोसेंट और लेट एडोलोसेंट स्टेज हैं जो अलग अलग रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 year। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी, ऑप्शन में 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट, 60 to 100 पर मिनट। तो यदि यहाँ पर 1 से 2 साल के बच्चे की पल्स रेट पूछी जाती है तो कितनी होगी, 80 से 130 पर मिनट तक, कितनी, 80 to 130 पर मिनट तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एक्सिलरी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, ऑप्शन में 40 to 42 degrees Celsius, 30 to 32 degrees Celsius, 33.5 to 34.5 degrees Celsius, या फिर 36.5 to 37.4 degrees Celsius। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का एक्सिलरी टेम्परेचर यदि पूछा जाता है तो होगा 36.5 से लेके 37.4 तक, कितना, 36.5 से लेके 37.4 तक कितना होगा नॉर्मल टेम्परेचर होगा सेल्सियस में है। यदि रेस्पिरेशन पूरा वाइटल साइंस पूछते हैं तो पल्स होगी 120 to 160 तक, रेस्पिरेशन 30 to 60 तक होगी, BP 80 to 60 रहेगा, और इसमें 10-20 का फ्लक्चुएशन भी रहेगा। टेम्परेचर यदि एक्सिलरी पूछें तब अलग रेंज होगी, स्किन से पूछें तो अलग होगी, और रेक्टल पूछें तो डिफरेंट रेंज यहाँ पर रहेगी, क्योंकि रेक्टल है जो बहुत ही एक्यूरेट टेम्परेचर शो करेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सिलरी और स्किन के। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द लेंथ रेंज ऑफ अ बेबी इन 3 month, 3 महीने में बेबी की रेंज कितनी होगी, ऑप्शन में 50 cm, 60 cm, 70 cm या फिर 90 cm।
तो यहाँ पर बेबी की जो बर्थ है, जो नॉर्मल लेंथ होती है बेबी की, अप्रॉक्सीमेट मानी जाती है कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 महीने में कितनी होगी, 3 महीने की कही जा रही है, तो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। और क्यों, ये भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो नॉर्मल जो बर्थ के टाइम पर बेबी की लेंथ होगी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। तो एवरी 3 मंथ में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ है जो बढ़ेगी। 1 साल तक बच्चों की जो हाइट है किस तरीके से बढ़ती है, 3 महीने का बेबी है तो 1 मंथ में कितनी बढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर। एवरी कितना, एवरी 1 मंथ में कितनी बढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी स्टार्टिंग के 1 ईयर तक बस, देन आफ्टर स्लो रहेगी। तो एवरी 3 मंथ 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ इज इंक्रीज्ड। तो एवरी 3 मंथ में कितनी बढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर हाइट है जो बढ़ेगी 1 साल तक, देन आफ्टर स्लो हो जाएगी। फिर आता है हेड सरकमफेरेंस। तो हेड सरकमफेरेंस यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ कहते हैं तो कितना होता है, 34 से 35 सेंटीमीटर। 2 महीने में 38, 3 में 40, 4 में 41, 6 में 42 to 43 सेंटीमीटर क्या हेड सरकमफेरेंस है। एंड यहाँ पर फिर बात आती है कि 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर्मली हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, 34 से 35 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस, और चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 31 सेंटीमीटर। तो हेड सरकमफेरेंस कितना कम रहता है चेस्ट सरकमफेरेंस से, ओनली 3 सेंटीमीटर है जो कम रहेगा। तो यहाँ पर जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस दोनों इक्वल यदि पूछे जाते हैं तो 1 साल तक की एज तक हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएंगे, बट लेकिन आफ्टर दैट जो चेस्ट सरकमफेरेंस है हेड सरकमफेरेंस से कितना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक के फादर कौन है, तो पीडियाट्रिक के फादर सबको पता है अब्राहम जैकोब। इंडियन पीडियाट्रिक के पूछें तो डॉक्टर केसी चौधरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है आपको ओनली यदि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहते हैं तो अब्राहम जैकोब, और यदि इंडियन पीडियाट्रिक के फादर पूछते हैं तो डॉक्टर केसी चौधरी। नेक्स्ट वन इज वेट ऑफ अ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट इज ट्रिपल, तो एग्जाम में आपको डबल ट्रिपल या फिर क्वाड्रिपल पूछा जा सकता है। तो यदि बर्थ वेट बेबी का वेट कितना था, 3.5 kg था एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन बेबी का बर्थ वेट ट्रिपल कब हो जाएगा, 12 मंथ में, 6 मंथ में, 15 मंथ में या फिर 24 मंथ में। तो बेबी का बर्थ वेट यदि 3.5 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ है तो डबल हो जाएगा 5 to 6 months की एज में। ट्रिपल की बात हो रही है तो 1 ईयर में, जब बेबी की एज 1 ईयर हो जाएगी, 12 मंथ हो जाएगी, तो बेबी का बर्थ वेट कितना हो जाएगा, 3 गुना है जो हो जाएगा, 10.5 kg तक बेबी का बर्थ वेट है जो हो जाएगा। बट यदि डबल कहेंगे तो कितने में, 5 to 6 months में। नेक्स्ट है यहाँ पर नक्चल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन, तो नक्चल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग की जाती है तो कब की जाती है, ऑप्शन में है 6 to 10 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 weeks ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 20 to 22 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। तो नचल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट किया जाता है, एंटी स्कैनिंग की जाती है जो कि 5th month में परफॉर्म है जो किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बेबी की जो फीटल नेक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, सॉरी स्टार्ट इनिशियल 3rd month और 4th month में किया जाता है, मोस्टली 20 weeks की प्रेगनेंसी में किया जाता है एंटी स्कैनिंग। तो बेबी की हेड के नेक के यहाँ पर कुछ फ्लूड कलेक्ट है या नहीं, ये चीज़ें चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एंटी स्कैनिंग है जो परफॉर्म की जाती है और 11 to 14 weeks की प्रेगनेंसी में जनरली की जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर याद रखना है। यदि एग्जाम पर्पस से पूछते हैं तो ये कब होती है, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी, बट जो नॉर्मल वे में डॉक्टर्स करवाते हैं हॉस्पिटल में वो जनरली थोड़ा लेट ही करवाते हैं। तो यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात की जाती है तो 11 से 14 वीक आपको मार्क करना है, और यदि आफ्टर दैट नॉर्मल वे में आपसे पूछा जाता है तब इसमें थोड़ा सा डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा डिले ही करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 11 से 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के क्या स्कोप हैं, एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, एडवाइस ऑन स्टरिलिटी और इनफर्टिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग इन लिमिटेशन ऑफ बर्थ प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के सभी स्कोप हैं, यहाँ पर क्यों हैं सभी स्कोप, एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, सेक्स एजुकेशन देंगे आप, इनफर्टिलिटी के बारे में एजुकेशन भी दे सकते हैं,
और प्री मैराइटल कंसल्टेशन काउंसलिंग है जो हो सकती है आपकी, प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में भी आप बता सकते हैं, मैरिज काउंसलिंग भी दे सकते हैं, कितना स्पेस होना चाहिए दो बच्चों की एज के बीच में, कितना आपको गैप देना है, अनमैरिड मदर्स के लिए क्या सर्विसेज रहेंगी, होम इकोनॉमिक न्यूट्रिशन, तो ऑल ओवर थिंग्स क्या की जाएंगी, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर, तो PPIUCD है जो कब इंसर्ट की जाती है, डिलीवरी के बाद, विद इन 72 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 7 आवर, या फिर विद इन 14 आवर। तो PPIUCD कब इंसर्ट की जाती है, पोस्टपार्टम इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ये की जाती है 48 आवर के बाद, इस तरीके से है जो, या तो ये प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, या फिर जो बाद में यदि बात करते हैं तो 48 आवर के बाद है हम इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और जो इनिशिएटिव है PPIUCD का, ये लिया गया था 2007 में, इसके पहले नहीं इंसर्ट की जाती थी। नेक्स्ट इज न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन सी नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, छाया, माला डी, माला एन, या फिर अंतरा, कौन सी है यहाँ पर जो कि नॉन हार्मोनल है। दो तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, एक होती है हार्मोनल, दूसरी होती है नॉन हार्मोनल। तो यहाँ पर नॉन हार्मोनल है तो कौन सी, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी अवेलेबल है, तो वो है क्या है, छाया। क्या है यहाँ पर, छाया, जो कि मार्केट में सेंटोक्रोमेन टैबलेट्स के नाम से भी मिलेंगी। और यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव जो मार्केट में लाई गई थी, तो छाया क्या थी, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, लेकिन यहाँ पर एक और लाई गई थी अंतरा प्रोग्राम के तहत। अंतरा प्रोग्राम के तहत यदि पूछा जाता है तो भी आपको याद रखना है, छाया भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल रहेगी, तो ये क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की नई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो यहाँ पर आपको है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नॉन हार्मोनल पूछें तो छाया पे आपको टिक करना है। यहाँ पर जो अंतरा है, अंतरा क्या है, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई है जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन ये नॉन हार्मोनल ओनली छाया है। तो जो अंतरा है ये क्या है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन, जो कि एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट करवाना होता है, इसका शॉर्ट है जो डॉक्टर्स के पास जनरली शॉर्ट करके भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा इसका ब्रांड नेम है। केमिकल कंपोजिशन पूछे तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, क्या है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, और जो कि 150 mg, इसका यदि डोज की बात की जाए तो 150 mg इंजेक्ट करवाना होता है एवरी 3 मंथ में। हर 3 महीने में है जो डेपो प्रोवेरा को, हर 3 महीने में जो इसका डोज है 150 mg है जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू अपर आर्म में इंजेक्ट है जो करवाना होता है, तब ये इफेक्टिव रहेगी। अब यदि टाइप ऑफ पिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट की पूछी जाती है तो दो टाइप्स की पिल होती है, माला एन एंड माला डी, इन दोनों में सेम कंपोनेंट्स रहता है, कंटेंट रहेगा लेबोनोजेस्ट्रोल 0.15 mg और इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल 0.03 mg। इसमें टोटल 28, एक पैकेज यदि आपसे पूछें माला डी और माला एन का, तो एक पैकेट में 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बाकी जो 7 ब्राउन कोटेड मेडिसिन रहेंगी वो किसकी हैं, फेरस फ्यूमरेट टैबलेट 60 mg, फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स रहेंगी, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी। अब इनका एक छोटा सा डिफरेंट आपको एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर आप नीचे की लाइन देखिए कि जो यहाँ पर माला एन इज सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू ऑल PSC अर्मर फैमिली, तो माला डी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू माला एन के। माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, बट माला डी की चीप प्राइस है, 3 rupees पर पैकेट है, बट ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन माला एन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PSC अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर सब सेंटर यहाँ पर अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड कौन सी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, IUCD, कॉन्डोम, या फिर कैलेंडर मेथड। तो यदि नेचुरल मेथड पूछते हैं तो वो क्या है, कैलेंडर मेथड, एमनोरिया। तो यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है क्या है, वो कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के जो 7 दिन पहले और मेंस्ट्रुएशन एंड होने के 7 दिन बाद का जो ड्यूरेशन क्या कहा जाता है, सेफ पीरियड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली इसकी रेंज 5 डेज के बाद होती है,
बट कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग यदि हम जाएं और जो नॉर्मली प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 7 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन और 7 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या कहा जाता है, सेफ पीरियड। और यदि इनके से जो फैमिली प्लानिंग मेथड की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होती हैं तो इसको असिस करने के लिए एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है, पर्ल इंडेक्स। एग्जाम में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट को हम किस इंडेक्स से चेक करते हैं, तो वो है पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, तो इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है। ऑप्शन में ब्रेस्ट फीडिंग, IUCD, वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एमनोरिया हो गया, कैलेंडर मेथड हो गई, ये सब क्या है, नेचुरल मेथड है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि जो मदर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबी को, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो उनको 3 मंथ तक कोई भी जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उनको एमनोरिया है जो रहेगा। लेकिन आफ्टर 3 मंथ आपको कोई भी जो भी कंबाइंड है जो आपको पिल्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली मिनी पिल्स, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो क्या कर सकती हैं, यूज़ मिनी पिल्स को यूज़ कर सकती हैं। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है जो लैक्टेटिंग मदर है वो कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर फैमिली प्लानिंग अपना सकती हैं, तो वो मिनी पिल्स। और आफ्टर दैट 3 मंथ आपको मिनी पिल्स के अलावा यदि आप कोई और मेथड अपनाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मदर नॉन लैक्टेटिंग है, दैट मीन्स जो अपने बेबी को फीड नहीं कराती हैं, तो उनको 1 मंथ के बाद ही क्या करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनको अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ, कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेन स्टीम, लंग्स, हाइपोथैलेमस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है एक इसके लिए है जो यूज़ किया जाता है, तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट असिस किया जाता है ब्रेन स्टीम की फंक्शनिंग के लिए, जिसको कोल्ड कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वेस्टिबुलो ऑक्लियर रिफ्लेक्स को मेनली है जो कोल्ड और वार्म वाटर के थ्रू चेक किया जाता है, एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल को चेक किया जाता है इसे। तो यहाँ पर ब्रेन स्टीम की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए कोल्ड कैलोरी टेस्ट और कैलोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ अ लेग कंप्लेन ऑफ पेन इन द एम्पुटेटेड पार्ट, नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि कोई पेशेंट का एम्पुटेशन हुआ है, लेग का रिमूव किया गया है, तो आफ्टर दैट वो कहता है कि एम्पुटेटेड पार्ट में किस तरीके से कुछ उसको पेन हो रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है, तो एज अ नर्स आप क्या एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन में है पेन इज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट, द पेन इज अ फिनोमिना नोन घोस्ट पेन, द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेग हैज़ बीन एम्पुटेटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। जनरली जो भी लोग एग्जाम देने जाते हैं, जहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होता है उसको आंखें बंद करके क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, और उनका आंसर है जो गलत हो जाता है। यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है एम्पुटेटेड लेग या फिर एम्पुटेटेड हैंड को लेकर और पेशेंट कहता है कि पेन हो रहा है, एज अ नर्स आप उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप का पेन है, एक तरीके का घोस्ट पेन है, जो कि पेन एक्चुअल में नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर बॉडी पार्ट है ही नहीं, बट आप कहेंगे कि पेन हो रहा है वहाँ पर, तो क्या कहलाएगा, घोस्ट पेन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फ्लूड बैग सोन हेयर, तो यहाँ पर जो फ्लूड बैग दिख रहा है क्या है, TPN है, एल्ब्यूमेन है, जेजुनोस्टोमी बैग विथ मिल्क या फिर एस्टाइमेन है। तो यहाँ पर जो बैग दिख रहा है किसका बैग है, TPN, जो कि एल्ब्यूमेन बैग यहाँ पर सो आपके लिए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ पेशेंट इज एडमिटेड इन कैजुअलिटी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सो इज ब्रशिंग बिहाइंड द मास्टॉइड, व्हाट इज द साइन। तो इस तरीके से यदि उसको साइन दिख रहा है आपको, तो कौन सा साइन है, ऑप्शन में बैटल साइन, कैटल साइन, फ्रेंड साइन या फिर डाइटल साइन। तो यहाँ पर कोई RTA का पेशेंट है, मास्टॉइड के पीछे आपको कुछ ब्रशिंग देखने को मिल रही, रेडनेस देखने को मिल रही है, तो ये कौन सा साइन कहलाएगा, ये कहलाएगा बैटल साइन, जो कि यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि बॉटम ऑफ द स्कल के यहाँ पर कोई भी फ्रैक्चर हुआ है। पहले नॉर्मल टाइप से देखेगा, लेकिन आपको यदि इस टाइप से देखने को मिलता है तो ये क्या है, एक सीरियस कंडीशन है जिसमें आपके स्कल में भी फ्रैक्चर हुआ है। हो सकता है कि ओपन फ्रैक्चर ना हुआ हो, बट इस तरीके से ब्लैकेस्ट टाइप से, पर्पलेस्ट टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ब्रशिंग देखने को मिलेगी, तो क्या है, बैटल साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर के वाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ, तो के वाइंड है जो किस पेशेंट को दिया जाएगा, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को।
तो के बाइंड दिया जाएगा हाइपर कैलेमिया के पेशेंट को, जिनका पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा उनके लिए के बाइंड है जो यूज़ किए जाएँ। के बाइंड ऐसी मेडिसिन है जो हाई पोटेशियम लेवल को कम करने में हेल्प करती है, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट में। तो नॉर्मल रेंज की बात करें पोटेशियम की तो कितनी होती है, 8.6 to 10.3 mg/dL। यदि ये कम होता है तो हाइपोकैलेमिया, ज़्यादा होता है तो हाइपरकैलेमिया। यहाँ पर यदि नॉर्मल सोडियम की बात करें, जिसको हम हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोनेट्रेमिया के नाम से जानते हैं, तो नॉर्मल सोडियम लेवल होगा 135 and 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। तो यदि पेशेंट मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा है, क्या खाने में आप उसको अवॉइड करेंगे? कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो ये सबको पता है, जो भी पेशेंट मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हों, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने की मेडिसिन है, तब आप क्या करेंगे, जो टायरामिन कंटेनिंग फूड है इनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जो कि हाई टायरामिन फूड है, ये जनरली क्या करते हैं, जो टायरामिन का लेवल आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, जो कि डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है, तो उसको और ज़्यादा डेंजरस करने का काम कर सकते हैं। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जो भी लोग मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, उनको ले रहे हैं। नेक्स्ट इज केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत केस फाइंडिंग कैसे की जाएगी, स्पूटम कल्चर से, स्पूटम माइक्रोस्कोपी से, एक्सरे से, चेस्ट या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट से। तो केस फाइंडिंग RNTCP के अकॉर्डिंग किससे की जाती है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी से। यदि यहाँ पर नेशनल ट्यूबर क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो एक कवायद है 1 जनवरी 2020 को, सॉरी जो यहाँ पर RNTCP प्रोग्राम था, इसी का नाम चेंज करके NTP प्रोग्राम कर दिया है, कब, 1 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी, ये हमने जस्ट अब भी पढ़े हैं, केमिकल कंपोनेंट माला डी और माला एन के दोनों के सेम होते हैं। माला डी का केमिकल कंपोनेंट क्या है, ऑप्शन में डी नॉर्जेस्ट्रोल एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रोल प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नॉर एस्थेरोट्रॉन एंड एसीटेट। तो जो माला डी का मेन कंपोनेंट है वो क्या है, डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। क्या है, डी नॉर्जेस्ट्रोल एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, माला डी एंड माला एन दोनों अवेलेबल रहती हैं गवर्नमेंट में, लेकिन माला डी और माला एन में दोनों में सेम पिल्स रहेंगी, इनका जो केमिकल कंपोनेंट भी 0.15 mg एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल 0.03 mg रहता है। माला डी और माला एन दोनों में 21 OCP और 7 iron पिल्स रहेंगी, लेकिन माला डी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मैंने आपको अभी बताया है। माला डी क्या है, 3 rupees में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, माला एन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। नेक्स्ट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन सब सेंटर इज, जो सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर क्या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होंगे, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर मेडिकल ऑफिसर्स। तो सब सेंटर में कौन रहेगा इनमें से, तो सब सेंटर में रहेंगे मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। क्या रहेंगे, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, मेल या फिर फीमेल हो सकता है, वॉलंटरी वर्कर एक रहेगा। और एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो यदि नॉर्मल प्लान एरिया की बात करें तो 6000 और हिली ट्रैवल एरिया की तो 3000। अब बात आती है PHC के स्टाफिंग पैटर्न की, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सब सेंटर का पूछें तो टोटल 3 men है जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा, PHC का पूछें तो टोटल 15 अवेलेबल होंगे, और यदि CHC का पूछते हैं तो CHC में टोटल 25, जिसमें से 2 nurse midwife 7 रहेंगी, मेडिकल ऑफिसर 4 होंगे, स्वीपर 3 होंगे, बाकी सभी एक एक हैं, जो फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, बार्ड बॉय, धोवी, माली, चौकीदार, आया, पीयून, सब कितने होंगे, एक एक। तो टोटल पूछें तो CHC में 25, PHC में 15 और सब सेंटर में 3। नेक्स्ट इज विच IUCD एक्ट फॉर 10 years, तो कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस 10 साल तक काम करेगी, कॉपर्टी 200, नोवाटी, कॉपर्टी 380 या फिर मल्टीलोड 250। तो कौन सी IUCD 10 साल तक एक्ट करेगी, तो होगी कॉपर्टी 380। तो यहाँ पर जो IUCD का लाइफ टाइम पीरियड पूछा जाता है जनरली, तो यदि कॉपर्टी का पूछते हैं तो कॉपर्टी का कितना होता है 10 साल तक के लिए, कितना 10 साल तक के लिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो CSSM प्रोग्राम ने किस प्रोग्राम को रिप्लेस किया था, MCH, NRHM, ICDS या फिर RCH। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है जो क्या के रिप्लेस किया गया था, किस प्रोग्राम के थ्रू तय किया गया था, RCH प्रोग्राम के थ्रू। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू CSSM प्रोग्राम को क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। तो सबसे पहले यदि दाई की ट्रेनिंग का एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1886 में MCH केयर का ये माइलस्टोन है। फिर यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया 1952 में, 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन आया, फिर UIP आया 1985 में, फिर CSSM आया 1985 के बाद, CSSM आया 1992 में, फिर इसका रिप्लेसमेंट किया किसने, RCH ने। तो RCH की फर्स्ट फेज रही 15-10-1997 में आई, सेकंड फेज आई RCH प्रोग्राम की 1 अप्रैल 2005 को। ये क्वेश्चन छोटे छोटे से आपको ज़रूर दिख रहे हैं लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बैरल चेस्ट इज सीन इन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंट में UPSC और HPSSB का पेपर हुआ है स्टाफ नर्स का, उसमें आए हैं। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेगा, निमोनिया में, लिवर फेलियर में, एसाइटिस में या फिर एम्फाइसेमा में। तो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें चेस्ट आपका कैसा होगा, आगे की तरफ होगा, कैसा होगा, आगे की तरफ होगा। तो ये देखने को मिलता है एम्फाइसेमा में, किसमें देखने को मिलेगा, एम्फाइसेमा में। यदि बूट शेप्ड हार्ट पूछा गया था अभी जो पेपर हुआ था तो वो टेरेटोलॉजी या फेरेट में है, और यदि बैरल चेस्ट पूछा जाता है किसमें देखने को मिलेगा, जो एम्फाइसेमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मॉर्टलिटी रेट इज, तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाएगा जब आप मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को चेक कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर दोनों एग्जाम में आता है। मैटरनल मॉर्टलिटी को 100,000 है जो नॉमिनेटर के तौर पर काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज, यहाँ पर एक बेबी बहुत ही प्यारा सा लेटा हुआ है, तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट पर लेटा है इसका नाम बताना है, क्या है, साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर एक कौन सी स्केल आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर बेबी बहुत ही प्यार से हंस रहा है, देख रहा है, तो ये कौन सी स्केल है, ये बीम बैलेंस। हॉस्पिटल्स में आपने जनरली ये देखी होगी बच्चों का, जो 1 साल से कम एज के बच्चे हैं उनका वेट चेक करने के लिए, तो ये क्या है, बीम बैलेंस। ने ये इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल इस तरीके से होगी, और स्प्रिंग स्केल एक हुक टाइप से होगी जिसमें बेबी को है जो एक इसमें जो यहाँ पर वॉल पर पूरा स्प्रिंग स्केल लगा दी जाती है, इसमें बेबी का वेट चेक किया जाता है स्प्रिंग के थ्रू, इसमें इस हुक में फंसा के। फिर आती है साल्टर स्केल जो कि आंगनवाड़ी इसमें मोस्टली रहती है, बेबी वेटिंग स्केल, ये भी एक हैंगिंग टाइप से रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई दिस डिमॉन्स्ट्रेशन सोन इन दिस इमेज, तो यहाँ पर एक इमेज में एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिख रहा है, तो एक नर्स कौन सा साइन यहाँ पे चेक कर रही है, पाल्मर साइन, गॉडेल साइन, ओसिएंडर साइन या फिर हैगर साइन। तो ये सभी प्रेगनेंसी में होने वाले साइन हैं, तो कौन सा साइन है यहाँ पर एक नर्स जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, तो कौन सा साइन है, हैगर साइन। कौन सा साइन है जिसमें बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू 2 fingers यूज करके एंटीरियर फोरनेक्स कैन बी अप्रोक्सीमेट टू द फिंगर ऑफ एब्डोमिनल हैंड, इसमें बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जा रहा है बेबी को चेक करने के लिए, तो क्या, हैगर साइन। पाल्मर साइन जो कि इसमें भी बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा बट इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। गॉडेल साइन में सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइनल पोर्शन होगा इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण। ओसिएंडर साइन में वेजाइनल पल्सेशन के कारण जो आपको हार्ट रेट फील होगी बेबी की, वो क्या है, ओसिएंडर साइन। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीवर फाउंड इन टाइफॉइड फीवर, तो टाइफॉइड फीवर में कौन से साइन देखने को मिलेंगे, स्टेप लैडर फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर या फिर कंटिन्यूस फीवर। तो जो टाइफॉइड में फीवर का साइन होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्टेप लैडर फीवर। कैसा, स्टेप लैडर फीवर, एक पीक लेवल तक फीवर जाएगा, वहीं जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, स्टेप लैडर फीवर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आता है वो है
थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन सी होगी, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। तो यहाँ पर कहा है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कौन सी पंचायत रहेगी, तो पंचायत समिति कहाँ पर होगी, ब्लॉक लेवल पर पंचायत होगी, तो विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होगा, जिला परिषद, क्या होगा, जिला परिषद। नेक्स्ट इज IMNCI टारगेट ग्रुपेज। तो IMNCI का सीक्वेंस आपको एग्जाम में आता है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो टारगेट ग्रुप पहले देखें कि कौन सा है, ऑप्शन में अप टू 5 ईयर्स, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो IMNCI का जो टारगेट ग्रुप है वो कितना है, अप टू 5 ईयर्स तक। कितना, एक होते हैं यंग इन्फेंट जो कि 1 वीक से लेकर 2 महीने तक के, और दूसरे होते हैं ओल्डर चिल्ड्रन जो कि 2 महीने से 5 ईयर तक के। तो इसमें क्या है जो आपको एग्जाम में आता है वो चीज़ मैं आपको, ये इसका टारगेट ग्रुप पूछे, दो टाइप का होता है, एक तो होता है 1 वीक से लेकर 2 महीने तक के एज ग्रुप का इन्फेंट, दूसरा है 2 महीने से लेकर 5 साल तक की ग्रुप का, जिसमें प्रिवेंटिव क्योरेटिव सर्विसेज हैं जो बेबी को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब इसमें IMNCI केस मैनेजमेंट में जो अभी UP में पेपर हुआ है वो पेपर आज मैं ऐप पर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें पूछी गई हैं IMNCI में, कि पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आपका काम होगा असिस्ट द कंडीशन, सेकंड काम आपका होगा कि जो डायग्नोस है वो क्या है, थर्ड आप ट्रीटमेंट पहचानेंगे, डायरेक्ट करेंगे नहीं, फोर्थ में आप क्या करना है, ट्रीटमेंट देंगे, और फिफ्थ में बेबी को असिस्ट करेंगे। तो जो 5 स्टेप हैं IMNCI केस मैनेजमेंट के, वो आपको सिक्वेंस वाइज याद रखना है, आपके एग्जाम में वो आते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट सोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फोटोग्राफ में एक स्प्लिंट दिख रहा है हैंड पर, तो ये क्या है, ऑप्शन में नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो स्प्लिंट आपको दिख रहा है फोटो में, कौन सा स्प्लिंट है, ये नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। क्या है, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, जो कि मेनली फिंगर डिसेबिलिटीज को है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स रहेंगे और जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, ब्रिस्ट मोशन है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है नकल ब्लेंडर स्प्लिंट फिंगर्स डिसेबिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिंबल वाइज रहेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं आपको। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल, ये सिंबल दिख रहा है आपको बताना है कौन सा सिंबल है, रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक, बायोहैजार्ड या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपको एक सिंबल दे के, हो सकता है ये दें या फिर साइटोटॉक्सिक का दें या फिर बायोहैजार्ड का दें, तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा सिंबल है। तो यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी आप ऐसी जगह घूमने जाते हैं, कहीं कहीं अलग अलग तरीके के सिंबल बने हुए होते हैं, यदि कहीं पर रेडिएशन है तो इस टाइप का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ये किसका है, रेडिएशन हैजार्ड का। साइटोटॉक्सिक और बायोहैजार्ड में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट का जो सिंबल होता है ऐसे ही सेम बायोहैजार्ड वेस्ट का रहेगा, लेकिन वो ब्लैक कलर का होगा, याद रखना है साइटोटॉक्सिक का ब्लू कलर का सेम सिंबल होगा, बट वैसे ही सिंबल बायोहैजार्ड का ब्लैक और येलो होगा। बायोडिग्रेडेबल जो कि रिसाइक्लेबल है, तो उसका सिंबल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवेज फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट इज नोन एज। तो जो वॉल्यूम लंग्स में रहेगी और एयरवे में, तो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट्स को क्या कहा जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडियल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। तो जो वॉल्यूम है लंग्स में और एयरवे में, तो इसके लिए एक्सपिरेटरी एफर्ट क्या कहलाएगा, कहलाएगा रेसिडियल वॉल्यूम। कितना, यदि नॉर्मल एडल्ट का पूछें तो 1200 ml, कितना 1200 ml नॉर्मल क्या है एडल्ट का रेसिडियल वॉल्यूम है जो रहेगा। वाइटल कैपेसिटी, लंग्स कितना मैक्सिमम इनहेल कर पा रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो वाइटल कैपेसिटी है। टाइडल कैपेसिटी के लिए सिंबल है जो BT यूज़ किया जाएगा या फिर TV है जो यूज़ किया जाएगा, जो कि 500 ml रहेगी पर इंस्पिरेशन और 7 ml पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो IM इंजेक्शन से हम कितना ml मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या फिर 6 ml। तो यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में 5 ml, 6 ml आता है, तब आप 5 को मार्क कीजिए,
बट यदि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाए मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है तो कितनी होगी, 6 ml. नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर हेमरॉइडेक्टॉमी. हिज पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर इंक्लूड सिट्स बाथ एवरी मॉर्निंग. द नर्स अंडरस्टैंड दैट सिट्स बाथ इज नेसेसरी फॉर. एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि सिट्स बाथ का क्या यूज है. ऑप्शन में है यहाँ पर रिलीफ टेंशन, प्रमोट हीलिंग, रिड्यूस द पेन, या फिर नन ऑफ द अबव. तो सिट्स बाथ है जो पेरिनियल केयर के लिए दिया जाता है. तो सिट्स बाथ का क्या एम रहेगा कि ये क्या करेगा, हीलिंग को प्रमोट करने का काम करेगा. नेक्स्ट इज आशा वर्कर आर फंक्शनिंग एट. तो जो आशा वर्कर होती हैं कहाँ पर काम करेंगी, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर ब्लेज लेवल पर. तो जो आशा वर्कर हैं कहाँ पर काम करती हैं, ये करती हैं ब्लेज लेवल पर. नेक्स्ट एंड हर एक CHO एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज. तो भारत में मृत्यु को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर किया जाता है, 3 days, 7 days, 21 days, या फिर 14 days. ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था, 1969 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जन्म और मृत्यु दोनों के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो कितनी, 21 दिन. कितना, 21 दिन, या फिर आप 3 week भी याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लोरीनेटेड लाइम इज नोन एज. तो क्लोरीनेटेड लाइम के लिए क्या है जो यूज़ किया जाएगा, सॉरी क्लोरीनेटेड लाइम के लिए और क्या कहेंगे, डेटॉल, टिंचर, बीटाडीन, या फिर ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीनेटेड लाइम का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैटरनल मॉर्टलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. तो मैंने आपके स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो एंड डिनोमिनेटर हमने पढ़ा, तो यहाँ पर है कि मैटरनल मॉर्टलिटी को हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, पर 1000, पर 10,000, पर 1 lakh, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव. तो हम इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट को, न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट को 1000 में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे. बट मैटरनल मॉर्टलिटी क्या है, 1 lakh में, कितनी, पर 1 lakh. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है. नेक्स्ट वन इज रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज फॉर. रोड टू हेल्थ कार्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजरिंग द साइज ऑफ द रोड, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडल्ट्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग चिल्ड्रन के लिए. आपने कार्ड देखा हो, इम्यूनाइजेशन कार्ड में भी ये पीछे बना हुआ होता है, आपकी बुक्स में भी रहता है पीडियाट्रिक में. तो क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, बच्चों की हाइट, हेल्थ, वेट के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी. तो यदि किसी पर्सन को एलर्जी है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन हाई रहेगा, उसका लेवल हाई होगा. ऑप्शन में IgE, IgM, IgA, या फिर IgG. तो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल यहाँ पर कहा है, एलर्जी में कौन होती है एक्टिवेट और हाई रहेगी, IgE. लार्जेस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम पूछते हैं, इफेक्टिव पूछते हैं, तब क्या है, IgG. क्या है, लार्जेस्ट इन नंबर इफेक्टिव, तो IgG, IgM है, लार्जेस्ट इन साइज में ही रहेगी जो कि एक्यूट इन्फेक्शन में रहेगी, IgE जो कि एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए है, IgA ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, ब्लड और जो भी म्यूकस मटेरियल है उसमें रहेगी, IgD भी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय. रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी डोनेंट, हेनरी साइकिल, रोनाल्ड रॉस, या फिर हेनरी फोर्ड ने. तो ये सबको पता है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी डोनेंट ने. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंटेन. तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे है, तो यहाँ पर इसमें क्या कंटेन रहेगा, केमिकल कंपोनेंट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नॉर एस्ट्रॉइडल, 9 नॉन ऑक्सिनॉइल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो टुडे नाम की जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें क्या केमिकल कंपोनेंट है, तो इसमें 9 नॉन ऑक्सिनॉल. क्या है यहाँ, इसमें 9 नॉन ऑक्सिनॉल है जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडियन क्रॉस रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टैब्लिश. तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो हेनरी डोनेंट ने की, लेकिन कब की. ऑप्शन में 1920, 1980, 1943, या फिर 1980. तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1920 में. कब, 1920 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा. क्वेश्चन एग्जाम में आते एक आता है विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और यहाँ पर विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा.
तो ऑप्शन में IgG, IgM, IgE या फिर IgA, तो कौन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वो है यहाँ पर IgM, IgM प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज सून आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट टू द हॉस्पिटल विथ हेड इंजरीज टेम्परेचर राइजेस टू 102 डिग्री फारेनहाइट द सजेस्ट इंजरी टू द, यदि किसी के लिए हॉस्पिटल लाया गया है हेड इंजरी के कारण टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहाइट है, तो कहाँ इंजरी होने के चांसेस होंगे। ऑप्शन में पैलेडियम, थैलेमस, टेम्पोरल लोब या फिर हाइपोथैलेमस, तो इंजरी होने के चांसेस कहाँ पर होंगे, हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए इंजरी होने के चांसेस कहाँ पर हैं, हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू असिस्ट क्लाइंट फॉर एसिडोसिस, द नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टेरियल ब्लड का नॉर्मल pH कितना होगा, 7.0, 7.30, 7.42 या फिर 7.50। एग्जाम में डायरेक्ट pH वैल्यू ब्लड की पूछी जा सकती है, जो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल रेंज होती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो कितना होगा आपका आंसर, 7.42, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पर यूरिन सैंपल यदि कल्चर के लिए लिया जाना है तो कब लेंगे, फर्स्ट वॉइड, लास्ट वॉइड, मिड स्ट्रीम, आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन, तो यूरिन सैंपल कल्चर के लिए लेना है तो मिड स्ट्रीम यूरिन से है जो ज़्यादा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर के, जिससे हम प्रॉपर तरीके से कल्चर करके कौन सा इन्फेक्शन है वो असिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज, जब किसी पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल कम हो उस टाइम पर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन, आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जब पेशेंट की इम्यूनिटी क्या हो ऑलरेडी लो हो और उस टाइम पर यदि उसको कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आयाट्रोजेनिक इन्फेक्शन फिजिशियन या फिर किसी डॉक्टर या नर्सेस के थ्रू आपको होगा, क्रॉस इन्फेक्शन जनरली किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस के थ्रू होगा, बट आपकी इम्यूनिटी जब वीक हो तो मौका देख के कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज़ यूज इन बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन है जो यूज़ की जाएगी, ग्रेट सफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सफेनियस, तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होती है वो होती है ग्रेट सफेनियस वैन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज द ब्रैडीकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट, तो यदि सक्सिनाइल कोलिन दी है बच्चे को तो ब्रैडीकार्डिया हुआ है, पल्स रेट क्या हो गई, लेस देन 60 जा रही है, तब हम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या देंगे, एड्रेनालिन, लिडोकेन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन, तो सक्सिनाइल कोलिन के कारण ब्रैडीकार्डिया हुआ है, अब ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे, तब हम देंगे एट्रोपिन, कौन सी देंगे, एट्रोपिन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेट्स की डेथ किसके कारण होती है, प्रीमैच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS या फिर हेमरेज, तो यदि न्यूनेटल डेथ पूछें तो वो होती है प्रीमैच्योरिटी के कारण, किसके कारण, प्रीमैच्योरिटी के कारण, इन्फेक्शन के कारण 33% होती हैं, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन के कारण 20% होती हैं, कंजनाइटल के कारण 9% होती हैं, बट यदि यही चीज़ चिल्ड्रन में पूछें तब प्री स्कूल में पूछें और टोडलर में पूछें तो डायरिया के कारण होंगी, बट यदि इन्फेंट्स में न्यूनेट्स में पूछते हैं तो प्रीमैच्योरिटी के कारण। नेक्स्ट इज विथ द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट बिटवीन हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो नॉर्मली ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हम फीटल हार्ट साउंड कितने वीक के जेस्टेशनल पीरियड में सुन सकते हैं, 6 to 8 वीक, 24 से 26 वीक, 18 से 20 वीक या फिर 8 से 10 वीक में, तो जनरली जो ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप होते हैं नॉर्मली उनसे हम कितने टाइम के अंदर जेस्टेशनल पीरियड में FHR को सुन सकते हैं, तो वो है यहाँ पर 20 वीक तक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, सी 18 से 20 वीक। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिसीज इन इमेज, तो यहाँ पर एक बेबी दिख रही है, बहुत बड़ा सा हेड दिख रहा है, तो कौन सी डिसीज है, हाइड्रोसेफेलस,
मरास्मस, थैलेसीमिया या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो डिसीज़ दिख रही है कौन सी है, हाइड्रोसेफेलस, जिसमें बेबी के हेड में CSF है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है। इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो BP सेंटिंग, क्या है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंटिंग। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनिटॉल दिया जाएगा, और सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो BP सेंटिंग है जो यूज़ किया जाएगा हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यदि बेबी का हमें लॉन्ग टर्म तक न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है तो क्या होगा, MUAC, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज, या फिर हाइट वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पर यदि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमें स्टेटस चेक करना है तो सही आंसर होगा आपका हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट है जो हो रही है। नेक्स्ट इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट, बेबी ने प्रॉपर ब्रेस्ट फीड किया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे, स्टूल 4 टाइम्स अ डे। तो यदि बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई गई है तो बेबी एटलीस्ट ब्रेस्ट फीड, एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक सोएगा। यूरिन पास का जो कहा है तो एटलीस्ट 8 से 10 बार तक है जो यूरिन पास करेगा, और वेट गेन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज अंडर ICDS आर एप्लीकेबल टू विच एज ग्रुप। तो ICDS प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, सप्लीमेंट्री नर्सिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा, रेफरल सर्विसेज दी जाएगी। तो ये किस एज ग्रुप के लिए है, 12 से 14 साल, 3 से 6 साल, 8 से 10 साल, या फिर 9 से 12 साल। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो यहाँ पर बच्चों की एज ग्रुप पूछी है तो वो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, कौन से, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स तक के। इसमें लॉन्च डेट आती है आपको तो 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू थैलेमस। तो ये थैलेमस के इन्फीरियर में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, सेरिबेलम, एपिथैलेमस, मेड्यूला, या फिर हाइपोथैलेमस। तो सेरी जो थैलेमस के पास का जो इन्फीरियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, अ 10-year-old चाइल्ड विथ अस्थमा इज एडमिटेड टू द वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड्स इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स। तो एक 10 साल का बच्चा अस्थमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, ब्रीद रेट 20 per minute, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। तो ऐसे केस में आप एज अ नर्स क्या इमीडिएट एक्शन लेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और जो भी लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक